मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। गोपाल अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई मयंक और उसकी एक बड़ी बहन थी। गोपाल हमेशा से थोड़ा सा लचीला सा रहा था। उसमें अदाएं और नज़ाकत काफ़ी थी जिसकी वजह से उसका काफ़ी मजाक बनाया जाता था। गोपाल हमेशा मयंक से कहता कि वो जान के ऐसा नहीं है और जो भी है उसमें उसकी मर्जी नहीं थी और वो जैसा भी है उसे अपने ऐसे होने पर गर्व है क्योंकि प्रकृति आपको जैसा चाहे वैसा रूप रंग और आकार देती है। खुशबू हमेशा गोपाल की तरफ रहती, हमेशा उसका साथ देती और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये दुनिया किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं अपनाती जो उनसे अलग हो। तो ये बात तो उनके सोच के परे है। खुशबू हमेशा से जानती थी कि गोपाल थोड़ा अलग तो है पर वो कब खुद को पूरी तरह समझेगा ये तो सिर्फ गोपाल ही कह सकता था। बात तब की है जब एक बार गोपाल की चाची का भतीजा उनके यहाँ रहने को आया। वो दिखने में बेहद ही स्मार्ट था। अभी अभी उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसके स्वभाव से वो बहुत तेज था। वो किसी की भी एक भी बात उधार नहीं रखता था। जब कमल उनके घर आया तो गोपाल उसे देख के उत्साहित हो गया। गोपाल ने आज से पहले इतना सुंदर नवयुवक नहीं देखा था। कमल की कटीली आँखें और उसके गुलाबी होंठ जिन्हें देखकर ऐसा लगता कि जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियाँ हों। कमल का रंग गोरा था और उस पर उसकी बेहद बेदाग त्वचा उसके रूप रंग में चार चांद लगा देती थी। जब पहले दिन कमल गोपाल से मिला तो कमल उसके हाव भाव देख के दंग रह गया और अपनी बुआ से बोला, यह ऐसा ढीला क्यों है, क्या ये वो है? बुआ ये सुन शॉक्ड थी और बोली, क्या वो है, हैं बताओ क्या वो है? बुआ को यूं गुस्सा होते देख गोपाल बोला, अरे मेरा मतलब ये नहीं था। बुआ बोली, ये नहीं था तो क्या था? तुमने अभी कहा और भला तुम कैसे किसी के बारे में ऐसा बोल सकते हो? आज तक क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम भी वो हो? बोलो। कमल के होश फाकता हो गए अपने बारे में ये सुनकर। बुआ बोलती रहीं और बोली, मुझे भी पता है जब तुम कारखाने में पकड़े गए थे अपने दोस्त दानिश के साथ और फिर तुमने कैसे कहानी बनाई थी, सो तुम अगर दूसरों के बारे में ना ही बोलो तो ही बेहतर है। कम से कम गोपाल ऐसे वैसे मुंह तो नहीं मारता फिरता। कमल चुपचाप सब सुन रहा था और वो उस दिन को याद करने लगा जब वो कारखाने में गया था दानिश के कहने पर। दरअसल हुआ ये था कि दानिश कमल का पड़ोसी था और दानिश का कारखाना भी था जहां कारचोप का काम किया जाता था। दानिश और कमल की अच्छी जमती थी, या यूं कहो कमल को दानिश बेहद पसंद था और दानिश को भी कमल काफ़ी पसंद था। पर दानिश के अब्बू नहीं चाहते थे कि कमल और दानिश की दोस्ती बनी रहे क्योंकि उनका रुतबा, जो कि सिर्फ उनकी नज़रों में काफ़ी ऊंचा था, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए उनकी औकात एक सुअर के जितनी भी नहीं थी। पर कहते हैं ना, इंसान झूठी शान में जीना ज़्यादा पसंद करता है। तो उन्होंने दानिश से कहा कि वो कमल को छोड़ दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। दानिश के लिए कमल जैसे सांसों जैसा था। पर कहते हैं ना कि सांसें भी कभी ना कभी साथ तो छोड़ ही देती हैं, और सांसें कब साथ छोड़ती हैं ये किसी को नहीं पता चलता। कमल के साथ भी कुछ दानिश ने ऐसा ही किया। एक रोज़ वो कमल को कारखाने में ले गया और दोनों वहाँ छिपते छिपाते पहुँच गए। कारखाना आज खाली था क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, तो सभी नवाज अदा करने गए थे और दानिश के मन में तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था जिसे आज वो अंजाम देना चाहता था। कमल और दानिश दोनों कारखाने में थे और दानिश ने कमल का हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखा और कहा, मेरी धड़कन को महसूस करो। और कमल ने आंखें बंद करके
दानिश की धड़कन को महसूस किया। दानिश ने फिर कमल की कमर में हाथ डाला और उसके होठों को अपने होठों से छुआ। उसने छुआ ही था कि कमल डर के मारे पीछे गया और उसके पीछे हटते ही उसने अपना बैलेंस खो दिया और बैलेंस को संभालने के लिए उसने दानिश का सहारा लिया, जिससे दोनों ही ज़मीन पर गिर पड़े। और उसी वक्त कोई एक कारीगर नवाज अदा कर लौट कर आया। उसने जब दोनों लड़कों के एक दूसरे के ऊपर देखा तो लोगों में उसने ना जाने क्या क्या अफवाहें फैला दी, जो कि कमल के लिए आग का काम कर गईं। कमल के घर वालों ने लोगों का कहा मान लिया और उसके पापा ने तो उसे बहुत पीटा बिना उसकी सुने। उस वक्त कमल की बुआ की शादी हो चुकी थी, तो कमल को लगा था कि शायद उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, पर बुआ को सब कुछ पता था, जिससे वो हैरान हुआ। कमल बुआ से बोला, बुआ ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाँ बात जब निकली ही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। मुझे इस सब के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ सुन, तू यहाँ आया है कायदे में रहना, मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरी नाक कटे यहाँ। कमल एकदम चुप हो गया। उसके मन में ढेरों सवाल थे, पर वो खामोश था क्योंकि उसके सवालों को सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो कमल ने उन सवालों के जवाब खुद को देना भी सही नहीं समझा। गोपाल के बारे में सोच के कमल को एक पल के लिए लगा कि कहीं उसके साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसी शाम में गोपाल ऊपर आया और बोला, चाची क्या हो रहा है? कमल की बुआ यानी गोपाल की चाची बाहर निकल के आई और बोली, कुछ नहीं बेटा, आओ अंदर आओ। कमल जस्ट नहा के निकला था, उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसने टॉवल बांधा हुआ था। बुआ जोर से चिल्लाई कि कमरा भीग जाएगा, जा पहले खुद को अच्छे से सुखा ले, फिर बाहर आ। कमल को गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो बुआ के यहाँ आया ही क्यों, जब इन्हें इतनी दिक्कत है तो इन्होंने बुलाया ही क्यों। पर ऐसा नहीं था, उसकी बुआ उससे प्यार भी करती थी और उसी चिंता में उसको डांट देती थी। गोपाल ने कहा, अरे चाची क्यों चिल्ला रही हो? भैया को पता नहीं होगा या उनके यहाँ ऐसे ही बाहर आते होंगे, इसलिए वो ऐसे निकल आए। खैर, कमल वापस बाथरूम में गया और खुद को अच्छे से सुखा के कपड़े पहन के बाहर निकला। बुआ ने शाम का नाश्ता बनाया हुआ था। आज नाश्ते में उन्होंने खस्ता कचौड़ी बनाई हुई थी, जिसकी तैयारी उन्होंने कमल के आने से पहले ही कर ली थी, ताकि उसको उसकी पसंद का खाना खिला सकें। बातों बातों में उसकी बात गोपाल से हुई और पता चला कि गोपाल भी BCA कर रहा है और वो जल्द ही MCA भी करेगा। पर जब कमल ने गोपाल से उसके एम के बारे में पूछा तो गोपाल बोला, एम जैसा तो कुछ भी नहीं है, और जो है वो बस मेरे मन की एक इच्छा ही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर बुआ कपड़े उठाने बाहर गई। उतने में ही कमल ने गोपाल से पूछा कि सब ठीक तो है, किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया या किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? गोपाल बोला, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, और हाँ कल जब दीदी को पता चल गया था तो मैं डर गया था एक पल के लिए, पर अब मेरे मन में जरा भी डर नहीं है। कमल बोला, अच्छा है, वैसे भी डर के जिया नहीं जा सकता, और वो कहते हैं ना कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। बुआ कपड़े लेकर अंदर आई, दोनों लड़के अलग अलग होकर बैठ गए और दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों पहली बार ही मिले हों। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।